बल्लभगढ़ के गांव मोहना में उस वक्त गोली चली जब रमेश नाम का किसान रात के वक्त अपने खेतों में पानी लगा रहा था। उसी वक्त लगभग 9:30 बजे लोग बाइक पर आए और रमेश के सिर पर कट्टा रख दिया। जब रमेश ने शोर मचाया तो वे आरोपी वहां से भाग निकले। लगभग आधे घंटे बाद फिर दोनों आरोपी एक बाइक पर सवार होकर आए और रमेश पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि रमेश बाल बाल बच गया। किसान रमेश की माने तो रात को वह खेतों में पानी लगा रहा था, तभी वहां पर दो लोग आए और मेरी चारपाई पर एक कट्टा रख दिया और जब उनसे पूछा गया कि आप लोग कौन हो और इसका विरोध किया तो वे दोनों वहां से चले गए। लगभग आधे घंटे बाद वे लोग फिर आए और सीधी फायरिंग शुरू कर दी। तभी इन्होंने शोर मचाया जिससे किसान इकट्ठे हो गए और दोनों आरोपी वहां से भाग निकले। गांव के ये गांव का ये एक लड़का तो एक खुद में पहचानता हूँ। किस बात के ऊपर गोली चलाई? बिना बात की गोली, पहले तो अंदर कट्टा या रिवाइवल है वो रख दियो कोठे में, तो और फिर यहाँ आके दोबारा आध घंटा बाद आए हैं और जब फैर करिए। क्या काम कर रहे थे आप? पानी चल रहा जी, ट्यूबवेल चल, ट्यूबवेल पे खेतों पे तब है। क्या पहचान कर पाए आप? हाँ जी पहचान लिए, एक तो पहचान लिए, दूसरे को नहीं पहचान पाए। कौन लोग जो जिसको पहचाना कहाँ का था? वो मोहना का ही है। जब इस बारे में छायसा थाना SHO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोहना गांव के खेतों में एक किसान पर फायर की गई है और तफ्तीश जारी है। जिस तरीके से तफ्तीश में जो निकल कर आएगा उसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। रमेश सन्नोक अर्जुन सिंह मोहना का रहने वाला है, उसने दरखास्त दी है मेरे खेत के। मैं दिनेश गुरुकारे मोहना का रहने वाला है, उनके परिवार से संबंध रखता है। मैं मेरे पर कट्टा रख दिया और उसके बाद फिर मेरे ऊपर सीधी फायर की। उसके मोटरसाइकिल पर आए, उसके साथ एक लड़का और था जिसकी एफ आई आर दर्ज कर दी 307/25/1964 में। आगे तफ्तीश जारी है, सच्चाई का पता लगाया जाए।